आंखों में आंखें मिला के बात न करते आना और उससे आत्मविश्वास नहीं होना, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे ताकि उनके जो मानसिक जो बीमारियाँ, उनके जो बीमारी है मतलब इलनेस जो है वो ठीक हम करें, लोगों की नशा दूर हो जाए, नशा मुक्त लोग जीवन जिए, हमारा संकल्प है, उसके लिए हम काम करते हैं। एक पेशेंट मेरे पास में आया, वो ये कंप्लेंट लेके आया कि मेरा लोगों से आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता। जब मैं बातचीत करता हूँ किससे भी तो मैं आंखों में आंख डाल के बातचीत ही नहीं करता, मैं इधर उधर देखता हूँ, कभी नीचे देखूंगा, कभी ऊपर देखूंगा। और फिर जब मैं किसी के साथ में बातचीत नहीं करता हूँ, मुंह को मुंह देख के, मतलब मुंह के सामने देख के, आंखों में आंखें देख के बातचीत नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे कैसा कैसा लगने लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस निकल जाता है, आत्मविश्वास नहीं रहता। और फिर मेरा बोलना, जब मैं बोल मतलब ठीक नहीं बोल पाता, लोग मेरी तरफ ख्याल देते नहीं है, लोग बोलते तुम इधर क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। मतलब ऐसा क्यों करता है तू, फिर तू क्यों नहीं आंखों में आंख मिला के बात करता? तो नहीं, बोले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र अनजाने में, मुझे भी मालूम नहीं है, वो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाती रहती है। मतलब कभी कंधे के ऊपर जाएंगे, कभी हाथ के ऊपर जाएंगे, कभी पैर के ऊपर जाएंगे, कभी सीने के ऊपर जाएंगे, कभी लिंग के ऊपर जाएंगी, मतलब बॉडी पार्ट्स, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाएंगी। और फिर उसको रोकने के लिए फिर मैं कंटिन्यूस नीचे देखता हूँ और वहाँ फोकस करता हूँ, और पूरा ख्याल रहता है कि नीचे देखना, ताकि मैं, मेरी नज़र इधर उधर जाएंगी नहीं। और फिर वो नीचे देखता हूँ तो फिर मुझे क्या बोलना है मैं पूरा भूल जाता हूँ, लोग भी समझ नहीं पाते मेरे को क्या बोलना है और सब प्रॉब्लम। मतलब फिर ऐसा क्यों करता है? नहीं, बोले लोगों को समझो, मैं आंखों में आंख डाल के बातचीत करता हूँ, लोगों को वो मालूम पड़ जाता है कि ये मेरे सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ देख रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब उनको कैसा मालूम पड़ेगा? नहीं, बोले मैं सामने जब आंखों में आंख डालता हूँ ना, तो तुरंत छाती की तरफ मतलब नजर जाएंगी मेरी, या नीचे नजर जाएंगी और उनको मालूम पड़ जाएगा। मतलब तेरे को किसने बोला क्या? नहीं, बोले बोला नहीं किसने, मगर मैं ऐसा होते रहता है और मैं पूरा आत्मविश्वास गमा के बैठा हूँ। अभी उसको पूछा भाई ये क्या है, तो ये फिर जब डिटेल इंक्वायरी किया तो ये एक प्रकार का ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन में बार 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 एक उसको हैबिट जैसी अभी हो गई है कि ख्याल कंटिन्यूसली बॉडी पार्ट्स की तरफ देना, आंखें उधर, कंधे पे, हाथों पे, पैर पे, या कहीं भी, मतलब आँख छोड़ के, मतलब मुंह छोड़ के बाकी सब जगह उसकी नज़र जाएंगी, और वो एक ऑब्सेशन जैसा होता है। और वो उसको रोकने के लिए फिर वो नीचे देखेगा, नीचे देखेगा तो फिर वो अपने अपने जो अपना जो बोलना है वो बातचीत नहीं कर पाएगा, बराबर रख सकता नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस लूज होना, फिर विशियस साइकिल है। तो उसको जब मैंने एहसास कर दिया कि भाई ये तुमको लगता है ऐसा कि भाई लोग हंसेंगे, या लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई ये मेरे सेक्सुअल पार्ट्स की तरफ देख रहा है, प्राइवेट पार्ट्स की तरफ देख रहा है, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा इसको लगता है। एक्चुअली लोगों को लगता कि नहीं लगता मालूम ही नहीं है, किसने इसको बोला भी नहीं है, मगर इसको ऐसा लगता कि लोगों को ऐसा लगता। तो मतलब तुम अभी ये जो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ वो आपको पटेंगी नहीं। बोले नहीं पट रही है, मगर वो मतलब समझता सब है, उमझता नहीं, ऐसा बोलते मराठी में। तो वो समझता सब मतलब वो बिहेवियर में नहीं आता है। बोले ठीक है, अभी इसका हम इलाज करेंगे। ये ऑब्सेशन और कंपल्शन आपको हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और इसमें फिर आपका आत्मविश्वास जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप लोगों से बराबर बातचीत नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति है उसका अनजान जान पहचान वाला, और उसके साथ में बातचीत नहीं कर पाते, और फिर उससे आपका सेल्फ एस्टीम कम हो गया, फिर आप नीचे देख के बातचीत करते हो, फिर आपका बोलना बराबर नहीं होता, फिर बराबर बोलना नहीं होता, लोग बोलते तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहे, फिर और वो नीचे मतलब डाउन हो जाता है कि भाई अपना बोलना ही बराबर नहीं है, और वो विशेष साइकिल में फंस जाता है। उसको ना ठीक है, हरकत नहीं, हम आपका इलाज करेंगे, सम्मोहन उपचार से, हिप्नोथेरेपी से इलाज करेंगे। उसको मैंने बोला कि हम साइकोथेरेपी भी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आपका हिप्नोथेरेपी इलाज करेंगे, और मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ कि जो मेडिसिन से आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। बोले ठीक है मेडिसिन दे दो, मगर मैं खिलाफ हूँ मेडिसिन के। मतलब अभी आप खिलाफ रहो या उसके फेवर में रहो, अब आप मेडिसिन ले लो पहले, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की बीमारी नहीं है, ये 6 महीने की। अभी ये पुरानी बीमारी हो जाएंगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग हमारे तरफ जब आते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लेके, तो वो 4-4 5-5 साल की हिस्ट्री लेके आते हैं, फिर उस समय हम कुछ नहीं कर सकते,
मतलब कठिन हो जाता है ना, कर तो सकते हैं मगर कठिन हो जाता है कि 5 साल की 10 साल की हिस्ट्री है, अभी उसको ठीक कैसा करूं, क्योंकि जितनी पुरानी बीमारी उतना ठीक करना कठिन हो जाता है। मतलब 6 महीने की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, गोलियाँ ले लो, उसको मेडिसिन दिया, उसको हिप्नोथेरेपी किया और वो एक महीने के अंदर ही उसको अच्छा लगने लगा, बोले मुझे वो विचार बहुत कम हो गए अभी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी लोगों को है कि जिनका आत्मविश्वास उन्होंने गमाया हुआ है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और फिर दिमाग में घुसते भी विचार आते रहते हैं, और नहीं तो फिर वो बॉडी पार्ट्स की तरफ देखते रहता है, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स स्पेशली। तो सब लोगों को आपके संपर्क में आए, सब लोगों को वीडियो शेयर करो ताकि लोग अपना अपना इलाज कर सके और अपना जीवन पावरफुली जी सकेंगे। और हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी पार्टनर बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।